जहां एक तरफ पूरा देश एकजुट होकर कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे मौके का फायदा उठाकर गरीब बेसहारा मजबूर जनता का फायदा उठा रहे हैं। जनपद के तिरवा क्षेत्र के बुढ़नपुर वीरहार गांव में कुटीदार जमकर घटतौली कर गरीब के पेट पर लात मार रहा है। बताया जा रहा है कि बुढ़नपुर वीरहार गाँव कुटीदार हर एक यूनिट पर कम राशन दे रहा है। ग्रामीणों ने कुटीदार पर आरोप लगाया कि वो कभी कभी पूरा राशन नहीं देता है, हमेशा 1 से 2 किलो कम ही राशन देता है। वहीं जब इस मामले की शिकायत फोन पर फूड इंस्पेक्टर से की गई, तो कोटेदार का दबंग बेटा पीड़ित को फूड इंस्पेक्टर के फोन पर ही गालियां देने लगा। वहीं मामले में फूड इंस्पेक्टर की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध लग रही है। कोटेदार का दबंग बेटा जब फोन पर इंस्पेक्टर के सामने इस तरह की दबंगई कर रहा है, तो अन्य जगहों पर क्या करता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं जब मामले में पूर्ति निरीक्षक से बात की गई, तो वह गोलमोल सा जवाब देने लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत आई है, संबंधित कोटेदार आरोप पत्र जारी किया गया है और नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है और वायरल ऑडियो में जांच कर कार्रवाई होगी। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए कन्नौज से सीपी सिंह की रिपोर्ट। 4 किलो के 4 किलो हाँ, हाँ। अच्छा, और अब की बार जब लेने गए तो क्या दिया तुम्हारे साथ? ज्यादा लाए। और राशन कितना दिया? राशन वो तो यूनिट के हिसाब से, 2 यूनिट के हिसाब से 10 किलो दे दिया है, लेकिन पैसे ज्यादा ले लिया। अब की बार पैसे ज्यादा ले लिया, पिछली बार 4 किलो दिया, कम दिया है, 1 यूनिट पे 1 किलो कम। पिछले महीने आपको कितना दिया था राशन? 4 किलो। अच्छा, अगले कितने यूनिट पे, 1 यूनिट पे कितना देते आपको? 4 यूनिट। पिछले महीना 1 यूनिट पर कितना राशन देते थे? अप्रैल में 4 किलो दिया। 4 किलो दोस्त? 4 किलो दिया। हाँ। अच्छा, और आपने कुछ कहा नहीं ना? अप्रैल के महीने में कुछ नहीं कही। अप्रैल के महीने में जब आप राशन लेने गए थे तो कितना दिया था? 4 किलो। 4 किलो लॉकडाउन लगते हुए? पिछली बार इतने कम दिया था? हर बार 4 किलो। अच्छा अच्छा, और आई जाओ कोई करो, अब की बार 5 किलो दिया। हाँ मैडम, सर, जो बुढ़नपुर वीरहार में कोटेदार की घटतौली का मामला आया है, जिसमें हर यूनिट पर राशन कम दिया जा रहा है, इस पर सर जो ग्रामीणों ने शिकायत की थी, जो गाली गलौज का आईडियो वायरल हुआ, उसमें क्या कार्रवाई की गई? उसमें जांच की गई है, जांच में जो है विक्रेता को आरोप पत्र जारी किया गया है। सर, जो गाली गलौज का मामला, इसके लिए क्या किया गया है? गाली गलौज जो फोन पर किया था, उसके बारे में अलग से कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई की कितने दिनों में उम्मीद है? क्या कार्रवाई, क्या की, क्या नोटिस जारी किया है? उसमें उसको अलग से नोटिस दिया है, जांच वाली जो जांच की गई थी उसकी कार्रवाई के लिए। और सर, जो घटतौली का मामला था, उसके लिए क्या? हाँ, उसके लिए उसको नोटिस जारी किया गया है, उसको स्पष्टीकरण मांगा गया है। आईडियो वायरल हुआ है, जिसमें घटतौली का मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं उसमें सर आप भी दिखाई दे रहे हैं, इस बारे में सर क्या कहेंगे? ऐसा है, घटतौली की जांच के लिए शिकायत आई थी, उसके मैंने जांच किया है, उसके बारे में हमने रिपोर्ट दे दिया है SDM साहब को, जिसमें कार्रवाई के लिए उसको नोटिस जारी किया गया है। नहीं, जैसा सर आईडियो में वायरल हुआ था, ऐसा है कि उसमें शिकायत के बारे में हमने विक्रेता से बताया कि भाई उसमें जो भी समस्या है सुन लो, उसमें हमने जो भी वो लोग गाली गलौज किए हैं, लेकिन मतलब हमने कहा है कि सूची बना के दे दो, उनको राशन दिलवाया जाएगा और कार्रवाई चली रही है। नहीं सर, जैसा कि आईडियो में ये वायरल हुआ है कि कहीं ना कहीं आप भी उस कॉन्फ्रेंस में लिप्त थे? लिप्त नहीं थे, उसमें कहीं नहीं है लिप्त है। नहीं सर, आपका कहीं ना कहीं आवाज आ रही है, सुना सकते हैं। ऐसा है कि हमने कहा कि भाई तुम मतलब जो लोग नहीं राशन लिए हैं उनको मतलब समस्या है, उसका नाम लिख के दो, उनको हम राशन दिलवाते हैं। नहीं सर, राशन की तो बात अलग रही, लेकिन कहीं ना कहीं आईडियो में गाली गलौज हो रही है। गाली गलौज हो रही है, तो उसमें हमने उससे कहा कि भाई गाली गलौज तुम लोग करने लगे हो, अपना अलग मामला तुम लोग संतो, गाली गलौज से हमसे मतलब नहीं। ठीक है सर, क्या कार्रवाई होगी इसमें? कार्रवाई के लिए हमने जो है नोटिस जारी किया है, हेलो, उसमें जो भी जमा होता है उसके बाद कार्रवाई होगी।